अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि तोते को हैंड टेम कैसे किया जाए और किस एज का बेबी जो है हम हैंड टेम करने के लिए दे सकते हैं। तो जो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि जी, राग में आप और रिंगनेक में तकरीबन 4 या 3 मंथ का जो बेबी होता है वो परफेक्ट होता है हैंड टेम करने के लिए। और मैं आपको सबसे पहली टिप जो दूंगा वो ये है जी कि आप जब भी अपना पैरट्स लाते हैं, जैसे कि ये देखें, इस टाइम ये मेरे जो पैरेंट्स हैं, मैं अब हाथ इस तरह करूँगा, ये मेरे से डांट नहीं रहे। आपने जब आप न्यू पैरेट लेकर आएंगे अपने घर, तो वो आपसे, आप उसके केज में हाथ करेंगे तो वो डरेगा। आपने अपना रोज़ तकरीबन 5 से 10 मिनट अपना हाथ इनके केज में इस तरह पास रखना है ताकि ये आपके साथ अटैच हो सके और आपके साथ ये इस तरह यूज्ड टू हो जाएंगे। तो ये थी जी पहली टिप। और आ जाओ इधर, आ जाओ। और टिप नंबर 2 ये है जी कि जैसे आप इन्हें फीड डालते हैं, या मैंने इन्हें फीड डाली और जैसे मेरा ये हाथ नीचे है, अब इस टाइम तो ये सारे भूखे नहीं हैं, इन्होंने फीड ली हुई है। जैसे ये भूखे होंगे और आप इन्हें फीड डालेंगे तो ये आपका हाथ नीचे है, ये अब आएंगे फीड के लिए और यहाँ पे आके फीड खाएंगे आपके पास, और ये फिर यहाँ पे आके आपके पास बैठ के फीड खाएंगे। तो ये उनका, इनका फीड जो है आपके साथ और ज़्यादा अटैच होंगे। तो ये थी जी टिप नंबर 2। और टिप नंबर 3 ये है जी कि आप अपने पैरट को तकरीबन 10 से 15 मिनट रोज़ बाहर निकाला करें और अपने रूम में निकालें, या फिर किसी ऐसी जगह में जहाँ पे इनको कोई ख़तरा ना हो, किसी बिल्ली का या फिर आना जाना वहाँ से ना हो। और तकरीबन इनको आपने डेली रूटीन में निकालना है, कोई एक टाइम फिक्स कर लें कि जब आप इन्हें निकालेंगे। अगर तो आप इन्हें डेली रूटीन में नहीं निकालेंगे तो भी ये बाइट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और टिप नंबर 4 ये है जी कि आप वैसे सारा जो हैंड टेम इनको करने का तरीका है वो इनकी फीड से ही है। आप इस तरह फीड ले लेनी है आपने और अपना हाथ इनके केज के अंदर कर देना है। जैसे ही अभी तो ये देखें, माशाल्लाह इन्होंने फीड ली हुई है जिसकी वजह से ये मेरे पास नहीं आ रहे। जैसे ही इनको फीड की ज़रूरत, तो फिर ये आपके पास आएंगे। जब ये इनको भूख लगी होगी तब ये आपके हाथ पर आकर बैठ के खाएंगे, तो इन उससे भी आपका, आपके साथ ये अटैच होंगे। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है जी हैंड टेम करने की। और जैसे ही ये कोई ना कोई अच्छा काम करें, जैसे अब ये देखें ये स्टेप अप करता है ऐसे, अब आप इसको एक कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए दे दें ताकि इसको पता लगे कि इसने अच्छा काम किया है। फिर ये जो है वो बार बार वही काम करेगा ताकि इसको पता होगा कि इससे मुझे अब आगे से कोई फीड मिलेगी। तो रा के और रिंगनेक के जो बेबीज़ होते हैं उनको इस तरह हैंड टेम करना बेस्ट रहता है जी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपका बेबी जो है रा का और रिंगनेक का दोनों ही जो इससे हैंड टेम हो सकते हैं। ये देखें जी, ये एक तो मेरा बेबी मैंने हैंड टेम कर लिया है, बाकी 3 भी हैंड टेम है जी, लेकिन वो इतने अभी मेरे साथ अटैच नहीं है जितना तो ये बेबी है जी। असल में इसको मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया,
तो इस वजह से ये मेरे साथ काफ़ी अटैच है। और एक ये रिंग नेक का बेबी है जी, ये भी हैंड टेम है। आ जाओ, टॉकिंग पर भी ये आ रहे हैं, टॉकिंग भी मैं इनको सिखा रहा हूँ और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपने वीडियो बनवानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूँगा। जैसे कि मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि हैंड टेम कैसे करें, उस इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दें, तो मैंने उनके कहने पे ये वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह आप इन ये करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो पैरट्स हैं वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे। ये देखें जी, मैक्स भी जो है इस टाइम केज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ मैक्स, आ जाओ जी, यहाँ जो मैक्स, मैक्स किधर जा रहे हो मैक्स, आ जाओ। लो जी, मैक्स अपने केज में चला गया जी। इंशाल्लाह मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में अपने सारे जो मैंने हैंड टेम किए हैं पैरट्स रिंग नेक के और रा के, उस पर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा और कैसे मैंने उनको हैंड टेम किया और कैसे उनको टॉकिंग पर मैं लाया हूँ। इंशाल्लाह वो पूरी डिटेल में आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।